माँ काकिनी देवी, आपके सभी चक्रा को क्लीन करें, आपका हृदय चक्रा का और विकास हो। माँ कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। माँ काकिनी देवी की शक्ति का, कौआ जो पक्षी होता है उसके साथ भी बहुत संबंध है। कौआ हमारे हिंदुइज्म में, तंत्र विज्ञान में बहुत प्रतिष्ठित पक्षी समझा गया है। हमारी परंपरा रही है कि जब भी हम खाना खाते थे, सबसे पहले कौए को, गाय को और कुत्ते को खाना खिलाते थे। और इसमें मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, कौआ, गाय, कुत्ता भी 3 दिन पहले उनके हाथ से खाना खाना छोड़ देता है। कौआ आध्यात्मिक प्रतिनिधि है, बहुत इंटेलिजेंट पक्षी है। कौआ धोखा नहीं खाता है। आप देखें, कौए को पकड़ना सबसे मुश्किल काम होगा। तो जैसे इसीलिए जो काकिनी देवी जी की शक्ति है, जे आपको धोखा खाने से महफूज रखती है, आपका बैलेंस रखती है। तो हृदय चक्र खुलने से रस से हम भर भर जाते हैं, पर इसका इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उस बैलेंस के लिए हमें माँ काकिनी देवी जी की जो 64 जोगिनी की शक्तियां हैं, उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप माँ काकिनी देवी जी का ध्यान करें हृदय में, ऐसी भावना करें, मैं मन में माँ काकिनी देवी जी के मंत्र का उच्चारण करता हूँ। जो भी सुन रहे हैं, आपको उस मंत्र की शक्ति मिले, आपका हृदय चक्र बैलेंस हो, विकसित हो, क्योंकि इसी ने आगे आज्ञा चक्र को, कलेक्टिव माइंड को बल देना है, शक्ति देनी है। अभी आप अपनी शुद्धता के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए, जैसे आपसे रोज बात करते हैं, तो वम रूम का ध्यान करेंगे। आप क्लीम काली कायन में भी कर सकते हैं, ये सभी चक्रा को बहुत जल्दी क्लीन करता है, और एक बूस्ट की तरह आप बहुत जल्दी आज्ञा चक्रा में पहुंच जाते हो।